हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मींस होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल है, मींस किस प्रिंसिपल पे किसी भी डिसीज को ट्रीट किया जाता है इन होम्योपैथिक सिस्टम, उसी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये टोटली डिफरेंट होता है टू अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। इनके कॉन्सेप्ट, इनके प्रिंसिपल से होम्योपैथी का सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, बहुत ही अलग होता है। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या है इसका प्रिंसिपल है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि होम्योपैथी वर्ड का मतलब होता क्या है। ये जो होम्योपैथी वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो टर्म से मिलके बना हुआ है, होमियो प्लस पैथी। होमियो का मतलब क्या होता है, होमियो का मतलब होता है सिमिलर या सेम या लाइक, कह सकते हैं एक जैसा। या पैथी मतलब क्या होता है, सफरिंग या कह लो डिसीज। तो होमियोपैथी मतलब क्या हुआ, लाइक डिसीज या सिमिलर सफरिंग कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। तो ये सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग का मतलब क्या हुआ, तो इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फाउंडर कौन है, मीन्स इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो उसका नाम है डॉक्टर सैम्यूल क्रिश्चियन फ्रीडरिख हैनमैन। ये बिटवीन द 1755 एंड 1843 के दौरान पे ये क्या किए, उन्होंने ये जो है होम्योपैथिक सिस्टम को डेवलप किया। तो ये कौन थे, ये फिजिशियन थे, केमिस्ट थे इन जर्मनी में। तो बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसका सही आंसर है फ्रीडरिख हैनमैन। तो इसके बाद आते हैं ये होम्योपैथिक का मतलब होता क्या है, मीन्स हमने जो टर्म बताया था सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग, ये जो स्टेटमेंट, इसका मतलब होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है होम्योपैथी मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग द डिसीज विद द रेमेडीज, विद द ड्रग कह सकते हैं, बाय प्रिस्क्राइबिंग अ माइन्यूट डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स सिमिलर टू द डिसीज व्हेन टेकन बाय द हेल्दी इंडिविजुअल इन लार्ज डोजेस। तो होम्योपैथी मतलब क्या हुआ, होम्योपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी डिसीज को, मीन्स कोई सिम्टम्स अगर अपियर हुआ है, तो उस डिसीज को ठीक करने के लिए जो भी ड्रग सब्सटेंस प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको किस तरीके से चूज करते हैं, तो वो ड्रग सब्सटेंस जब उसको हेल्दी पर्सन में दिया जाता है लार्ज डोसेस में, तो उसमें जो सिम्टम्स जो अपियर होता है, वो सिम्टम्स अगर उस डिसीज के सिम्टम्स से अगर मैच करता है, तो उसी ड्रग को स्मॉल डोसेस में उस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। तो हमने होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो इंडिकेट हो रहा है, ये कौन है, ये हेल्दी पर्सन है। अब इस हेल्दी पर्सन को जब ये ड्रग सब्सटेंस है, ये ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो ड्रग सब्सटेंस है, जब इसको लार्ज डोज में, डिफरेंट डिफरेंट डोसेस में, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज में, जब इस ड्रग सब्सटेंस को लार्ज डोज में इस हेल्दी पर्सन को जब एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है, तो इस हेल्दी पर्सन में जो जो सिम्टम्स अपियर हो रहा है उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस ड्रग सब्सटेंस को कौन से डिसीज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा, तो यहाँ पे हमने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है डिसीज्ड पर्सन। तो इस पर्सन में जो डिसीज हुआ है, इसका जो सिम्टम्स अपियर हुआ है, अगर ये सिम्टम्स जो है क्या होता है, अगर इस सिम्टम से मैच करता है, मतलब कि ये जो डिसीज पर्सन का जो सिम्टम्स है, इस जो है ड्रग सब्सटेंस को इस हेल्दी इंडिविजुअल में देने के बाद जो सिम्टम्स अपियर हुआ है, उस सिम्टम्स और ये डिसीज पर्सन का सिम्टम्स जब मैच होता है, तो हम इसी सेम ड्रग को स्मॉल डोज में इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिमिलर सिम्टम्स, मतलब यहाँ पे इस ड्रग को लार्ज डोज में देने के बाद जो सिम्टम्स से आया और इस डिसीज पर्सन का जो सिम्टम है, वो दोनों सेम है, इसी कारण से इसी सेम ड्रग को इस डिसीज पर्सन के सिम्टम्स को, इस डिसीज को ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिमिलर सफरिंग। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हमने टर्म लिखा हुआ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका मतलब क्या होता है, लाइक आर क्योर्ड बाय लाइक, या कह सकते हैं लाइक डिसीज
आर क्योर्ड बाय लाइक मेडिसिन्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है इसको डिटेल हमने अभी आपको बताया। मीन्स लाइक डिसीज मतलब कि मीन्स होम्योपैथिक सिस्टम में जो ड्रग सब्सटेंस जब उसको हेल्दी इंडिविजुअल में दिया जाए लास्ट डोज में, तो जो डिसीज जो सिम्टम्स अपीयर होगा उसी डिसीज और सिम्टम्स को ठीक करने के लिए उसको पेशेंट में प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस पेशेंट को दिया जाता है उसी सेम डिसीज और सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इन द स्मॉल डोसेज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक डिसीज आर क्योर्ड बाय लाइक मेडिसिन, मीन्स का मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और इसको किस तरीके से डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ने होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने बॉडी में एडमिनिस्टर किया एक ड्रग जिसका नाम है सिंकोना, जिसको यूज किया जाता है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। मतलब कि उस समय ये मालूम था कि सिंकोना को एज एन एंटी मलेरियल ड्रग यूज किया जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एंटी मलेरियल ड्रग में सिंकोना को अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया। तो उस टाइम पे जब वो एडमिनिस्टर किए उस टाइम पे वो हेल्दी कंडीशन में थे, तो क्या हुआ एडमिनिस्टर करने के बाद जो है उस ड्रग सब्सटेंस को लेने के बाद उनके में सिम्टम्स अपीयर हुए, और वो जो सिम्टम्स अपीयर हुए वो सिमिलर सिम्टम्स थे टू दैट ऑफ मलेरिया। मतलब कि उनको क्या हुआ, उनको चिल हुआ, फीवर हुआ, जो कि सिमिलर सिम्टम्स थे वो दैट ऑफ मलेरिया। तो इस तरीके से उनके माइंड में होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट आया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर ये जो रिसर्च है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स और मिनरल एक्सट्रैक्ट को लिए और उसको डिफरेंट डिफरेंट हेल्दी इंडिविजुअल्स में, अपने नेबर्स में, रिलेटिव्स में और भी अदर हेल्दी इंडिविजुअल्स में उसको एडमिनिस्टर किया, और उन्होंने लिस्ट बनाई कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स की सब्सटेंस और उसको हेल्दी इंडिविजुअल में डिफरेंट डोसेज देने के बाद क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसकी लिस्टिंग बनाई। और उसके बाद उन्होंने फर्दर रिसर्च करके उनका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट जो है उनने जो कॉन्सेप्ट लगाया था उससे वो क्या हुआ, मैच हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपने इस रिसर्च वर्क को पब्लिश किया इन हिज टेक्स्ट ऑफ होम्योपैथी जिसका नाम है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीके से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है डेवलप हुआ। तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये बेस्ड होता है नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जो है उसमें तब तक डिसीज नहीं होता जब तक कि उसके अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, तब तक उस पर्सन को डिसीज नहीं हो सकता। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी डिसीज के जो रूट कॉज है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, मीन्स उसके कॉजिटिव फैक्टर को रूट से अगर रिमूव कर दिया जाए बॉडी से, तो वो डिसीज अगर नहीं होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर। अभी प्रूविंग और प्रूवर क्या होता है, तो प्रूविंग मतलब क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एन एलिमेंट by the administration of drug which has the capacity to produce disease state in healthy individual and this is known as proving of medicine। तो proving क्या होता है, तो जैसा हमने यहाँ पे आपको concept में बताया था उसी process को हम क्या बोलते हैं, proving बोलते हैं। मतलब उस drug substance को क्या कहता है, different different drug substance के different different potencies different concentration में जो क्या कहता है उसको healthy individual में उसको administer किया जाता है, और फिर उस drug substance जो है उस healthy individual में क्या क्या disease condition क्या क्या symptoms जो है प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्रूविंग ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रूविंग इज द सिम्टम्स दैट कॉस्ट इन द प्रूवर बाय वेरियस पोटेंसीज ऑफ ड्रग। मतलब कि प्रूवर क्या है, यहाँ पे प्रूवर जो है हेल्दी पर्सन है, तो इस हेल्दी पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हो गए उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है पोटेंसीज मतलब कि डिफरेंट डोसेज को जब हेल्दी इंडिविजुअल मीन्स प्रूवर में जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या क्या डिसीज कंडीशन मतलब क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूविंग बोलते हैं, और प्रूवर वो है हेल्दी पर्सन कहलाता है। और ये जो प्रूवर है मीन्स जो हेल्दी पर्सन में जो जितने भी सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, सिम्टम्स मतलब कि उस प्रूवर का क्या उसका फिजिकल उसका मेंटल या जो इमोशनल चेंजेस हुए हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट पोटेंसीज ऑफ ड्रग्स उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, और उसके बाद फिर उसी ड्रग सब्सटेंस को उस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं जिस डिसीज में सेम सिम्टम्स अपीयर हुआ। मीन्स प्रूवर के सिम्टम्स
और मींस हेल्दी पर्सन के जो सिम्टम्स हैं उस ड्रग को देने के बाद और उस पेशेंट के सिम्टम्स को मैच करने के बाद सेम ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब इस ड्रग सब्सटेंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है उस पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, आफ्टर मैचिंग द सिम्टम्स ऑफ प्रूवर हेल्दी पर्सन एंड द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, तो उस ड्रग सब्सटेंस को डायल्यूट कर लिया जाता है। ड्रग सब्सटेंस को एक्सट्रीमली डायल्यूट करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन बोला जाता है। और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम, पोटेंशिएशन से क्या होता है, उस ड्रग सब्सटेंस का जो क्यूरेटिव इफेक्ट है वो एनहांस हो जाता है। इसी कारण से मतलब होम्योपैथिक सिस्टम में जितना ज्यादा डायल्यूशन उतना ज्यादा जो है ड्रग क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सिंकोना, तो अभी हमने आपको बताया सिंकोना जो ड्रग है जिसको एंटी मलेरियल इसको यूज किया जाता है, इस सिंकोना को जब हेल्दी इंडिविजुअल में दिया जाता है तो सेम सिम्टम्स अपीयर होगा उस हेल्दी इंडिविजुअल में। इसी कारण से इस सिंकोना को हम एंटी मलेरियल ड्रग यूज करते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम। और नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ओनियन। ओनियन का क्या सिम्टम होता है, मींस ओनियन को जब लार्ज डोज में हेल्दी इंडिविजुअल में दिया जाता है तो आई वॉटरी एंड नोज बर्न, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ ओनियन इन हेल्दी इंडिविजुअल व्हेन गिवन इन लार्ज डोज। और इसके बाद जो है क्या किया जाता है, ये सिम्टम जो है आई वॉटरी एंड नोज बर्न, ये कौन से डिसीज का सिम्टम है, हे फीवर का सिम्टम्स, मतलब कि किसी की पेशेंट है, इस पेशेंट को इस तरीके का सिम्टम्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए वही सेम ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है जो वो सिम्टम्स हेल्थी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस कर रहा हो। तो यहाँ पे ओनियन जो है वॉटरी और नोज बर्न प्रोड्यूस कर रहा है और ये सेम किसका सिम्टम्स है, हे फीवर का सिम्टम्स है। इसी कारण से हम ऐसे होम्योपैथिक रेमेडी यूज करते हैं जिसमें किससे बना हुआ हो, वो ओनियन से बना हुआ होता है जो कि उस हे फीवर से क्या दिलाता है, रिलीफ दिलाता है, हे फीवर को ट्रीट करता है। तो हम होम्योपैथिक सिस्टम में क्या देखते हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन द ड्रग एंड द डिसीज, डिसीज और ड्रग में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब कि ड्रग को हेल्दी इंडिविजुअल में देने के बाद सिम्टम्स और उस डिसीज के सिम्टम्स, उन दोनों में सिमिलैरिटी को देखा जाता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द सेवन प्रिंसिपल। तो जो मेन सेवन प्रिंसिपल होते हैं जिसमें ये होम्योपैथिक सिस्टम जो है पूरा बेस्ड है, तो वो क्या क्या प्रिंसिपल है, इंडिविजुअलाइजेशन, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ प्रूविंग, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन और वाइटल फोर्स। ये टोटल सेवन प्रिंसिपल होते हैं जिस पे ये पूरा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है बेस्ड है। तो इन सेवन जो पॉइंट है, सेवन जो प्रिंसिपल है, इनका जो डिटेल है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वीडी रंगाली वॉल्यूम 1 से, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बीरेन साइन ए के सर से, और फार्माकोग्नोसी सी के कुकाटे से। थैंक यू।